मेरा बेटा पैदा होने के बाद जब एक हफ्ता का हो गया उसको हम टीका देने के लिए लेके गए थे। वो टीका देने के बाद मेरे हस्बैंड घर पर मुझे छोड़ के वो ड्यूटी चले गए। जैसे घर पर हमने कदम रखा मेरा बेटा रोना स्टार्ट किया। मैंने सोचा डॉक्टर ऐसे बोले थे उसको मामूल सा फीवर आएगा, बच्चा थोड़ा रोएगा, वो टेंशन नहीं लेना। उसके बाद मेरा बच्चा रोना स्टार्ट किया, ना खाया ना कुछ किया, वो ऐसे ही मतलब कंटिन्यू किया, जोर जोर से आवाज़ किया। वो ऊपर देख के रो रहा था, नीचे नहीं देख रहा था, मुझे नहीं देख रहा था। कुछ भी मैं उसको करती थी चुप करने के लिए कोशिश करती थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। ऐसे कर कर वो कंटिन्यूसली ऊपर ही देख रहा था। मैं डर गई, डर के क्या किया मैंने, मैं बाहर लेके आ गई उसको, आके सबको दिखा मेरा बच्चा को टीका दे के लेके आई थी। वो ऐसे क्यों रो रहा है, सब बोले ऐसे ही मामूली बच्चे ऐसे करते हैं, रोते तुम टेंशन मत लो। वो ऐसे करके बहुत धीरे धीरे उसके कम हो जाएगा, दो तीन दिन उसको ऐसे फीवर आएगा, उसके बाद बच्चा ठीक हो जाएगा अपने आप। फिर वो कंटिन्यू किया, इतना ज़ोर ज़ोर से रोया, कंटिन्यू 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 ऐसे रोता चला गया। सब लोग आके परेशान हो गए, एक के बाद एक। मैं उसको सब प्यार करते थे, इतने आजू बाजू लोग थे, मिनिमम 30 से 40 लोग उधर इकट्ठा हो गए, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ा बूढ़ी आंटी जितना सब कुछ थे, वो आके उसको चुप कराने की कोशिश की। मेरे हाथ से लेके वो कोशिश किए उसको चुप कराने के लिए, बहुत उसको इधर उधर किया, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था। चुप तो नहीं हो रहा था, लेकिन वो कंटिन्यूसली ऊपर ही देख रहा था, नीचे नहीं देख रहा था, एक ही जगह पर देख रहा था। मुझे वो डर लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो भगवान से बात कर रहा है कि हमको इतना तकलीफ हो रहा है, आप हमको ठीक कर दो या कुछ। उसको वो भगवान से वो बात कर रहा था, ऐसे ही फील हो रहा था। वही ऊपर देखना सबको मतलब अजीब लगा, बोले हमारा भी बच्चे हैं, हमने भी टीका लगाया, बच्चे ऐसे मामूली रोते हैं, थोड़ा रोते हैं, फीवर वगैरह आते हैं, लेकिन इतना तो नहीं रोते, इतना जोर जोर से कंटिन्यूसली वो 2 घंटा ऐसे रो रहा था। सब लोग ऐसे डर के, मतलब बच्चा ऐसे रोएगा तो बेहोशी कंपलसरी हो जाएगा, उसका सांसें भी रुक जाएगी, उसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। मतलब थोड़ा रुक रुक के अगर रोता, थोड़ा दूध पीता तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था, वो कंटिन्यूसली ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके ऊपर देख के रो रहा। तो ये देख के मैं डर गई, मैंने सोची शायद बच्चा को या तो मेडिसिन ओवरडोज हो गया, इंजेक्शन लिया था जो, या तो उसको सुई वगैरह टूट के अंदर रह गया। मुझे ऐसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हो गया है, नहीं तो बच्चा इतना क्यों रोएगा। फिर सब लोग डर रहे थे, मैंने क्या किया, मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, फ़ोन मैंने बार बार फ़ोन कर रहे थे, वो फ़ोन काट रहे थे, ठीक नहीं कर रहे थे मेरे फ़ोन। ऐसे मैं रो रही थी जोर जोर से, बच्चा को देखे मैं नर्वस हो रही थी, पता नहीं मेरा बच्चा को कुछ हो जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, हो सकता है उसका जान बच जाए, नहीं तो कुछ हो सकता है, मुझे ऐसा डर लग रहा था। सब लोग बोले फ़ोन करो फ़ोन करो, ऐसे सब लोग भी ऐसे बोल रहे थे, सब लोग भी डर गए, नर्वस हो गए, सब लोग काम वगैरह छोड़ के उधर ही खड़ा होकर रहे थे, ऐसे राउंड करके मेरे बच्चा को। फिर मैं फ़ोन कर रही थी, वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर बाजू में एक जो दीदी थी वो बोली मेरी मोबाइल से कॉल करो तुम्हारे हस्बैंड को, शायद नया नंबर देके वो उठा ले। मैंने वो उनका नंबर मोबाइल लेके हस्बैंड को कॉल किया, तो वही ट्रिक मेरा काम आ गया, वो फ़ोन रिसीव कर ली। करने के बाद मैं रो के बोली बच्चा का तबीयत बहुत सीरियस है, तुम जल्दी आ जाओ, उसको हॉस्पिटल लेके दोबारा जाना पड़ेगा। वो गुस्सा करके झगड़ा करने लगे कि हमको कंपनी भी देखना है, काम भी करना है, डॉक्टर ऐसे बोले थे उसको मामूली सा फीवर आएगा, बच्चा रोएगा, तुम फालतू में हमको टेंशन दे रहे हो। मैं बोली बच्चा ऐसे नहीं हो रहा है, उसको अजीब तरह से तरीके से वो रो रहा है, ऊपर देख के मुझे डर लग रहा है, तुम एक बार आके बच्चा को देख लो। वो ऐसे गुस्सा कर करके फ़ोन काट के आ गए, सब लगे एक साथ में चिल्लाने लगे जल्दी आ जाओ, बच्चा को कंडीशन बहुत ख़राब है। वो साइड से आके फ़ोन में सब बात करने लगे। फिर मेरे हस्बैंड आए उधर से गुस्सा करके आए, आने के बाद जब उनका आवाज़ सुना मेरा बेटा, वो गोद में उनको लिए, मेरा बेटा को लिए, वो हाफ मिनट तक वो चुप हो गया। चुप होने के बाद मेरे हस्बैंड फिर से झगड़ा करने लगे, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे ही तुम ड्रामा कर रहे हो, हमको खामखा परेशान कर रहे हो, ऐसे करके वो गुस्सा करने लगे। सब लोग ये देख के बोले हमारा बेटा का नाम जिगर है, सब जिगर बुलाते थे, बोले जिगर क्या हो गया, तुम तो 2 घंटे से कंटिन्यू रो रहे थे, और वो डैडी को देख के चुप हो गए, मम्मी को गाली सुनने पड़ रहे, ऐसे जब बोले तो मेरा बच्चा फिर से कंटिन्यू किया वही वाला रोना, वो ऊपर देख के फिर से रोना स्टार्ट किया। वैसे सब लोग बोले ऐसे ही तो रो रहा था 2 घंटे से, आपको देख के मतलब उसको हिम्मत थोड़ा आ गया इसलिए वो साइलेंट हो गया, फिर से रोना स्टार्ट किया। मैं बोली कुछ भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, बच्चा तब से रो रहा है, हमको
वो जिधर उसको टीका लगाए थे वो थोड़ा दूर था वो हॉस्पिटल। मैं बोली वो पास के जो हॉस्पिटल है उधर दिखा लेते हैं, उधर भी तो डॉक्टर हैं, वो देख के मालूम पड़ जाएगा उनको बच्चा का क्या कंडीशन है क्या नहीं, उनको दिखा लेते हैं। हम पास जाके दिखाए, वो डॉक्टर फिर दवा दिए, देने के बाद बोले वो ठीक हो जाएगा। फिर आने के उसको खिलाने के बाद मेरे हस्बैंड छोड़ के फिर से कंपनी चल गई। जाने के बाद फिर 5 मिनट हुआ नहीं, मेरा बच्चा का बही वाला रोना स्टार्ट हो गया। वो मैं सोची शायद आधा घंटे मेडिसिन उसको काम करने का टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, लेकिन फिर भी वो बच्चा चुप नहीं हुआ। वो ऐसे ही रो रहा था, दूध नहीं पी रहा था, वो चुप नहीं हो रहा था। फिर से मैं रोने लगी, मैं फिर से फ़ोन की, मेरे हस्बैंड फिर से फ़ोन काटने लगे, फिर गुस्सा करने लगे। मैं फिर बार बार फ़ोन करने लगी, फिर फ़ोन उठा के फिर वो गाली देने लगे। मैं बोली कुछ भी हो जाए मुझे गाली दो मार कुछ भी करो, लेकिन फिर से आओ। वो बच्चा को जिधर से दिए थे टीका उधर लेके जाना पड़ेगा, वो बच्चा चुप नहीं हो रहा है उसको, नहीं तो कानी फानी करते कुछ पूछते हैं डॉक्टर को क्या हुआ है क्या नहीं, मुझे डर लग रहा है, वो चुप नहीं हो रहा है। वो ऐसे मामूली बुखार आएगा तो बच्चा का तबीयत खराब होगा, दर्द होगा, तो एक एक मिनट के लिए तो वो चुप होगा, वो चुप बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फिर वो गुस्सा करके क्या के फिर वो घर आए। आने के बाद फिर हम जिधर टीका लिए थे उधर हॉस्पिटल गए। जाने के बाद डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो इंजेक्शन वगैरह कुछ टूटा मोटा कुछ नहीं है, इसे बच्चा थोड़ा पतला है, उसको मेडिसिन थोड़ा उसको ज़्यादा पेन हो रहा है इसलिए ऐसे हो रहा है। मेडिसिन चेंज किया, चेंज करने के बाद थोड़ा ट्रिक्स बताए ऐसे ऐसे करो बच्चा को थोड़ा कम हो जाएगा उसका दर्द। इसके बाद हम घर आए, मेरे बच्चा का तबीयत थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसको 8 साल हो गया, उस दिन वो जितना रोया था आज तक वो उतना कभी नहीं रोया, ना तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बच्चा को इतने रोते हुए कभी ज़िंदगी में कभी देखा हो, कभी नहीं देखा मैंने। आज भी किसी का बच्चा को अगर वो टीका देने कोई जाता है मैं डरती हूँ, कोई उसका बच्चा का तबीयत मेरा बच्चा जैसा तो नहीं हो जाएगा। मैं सबके बच्चा के साथ मेरे अपने बच्चे का कंपेयर करती हूँ, वो टीका लेने के बाद उनका तबीयत कैसा रहता है, मेरा बच्चा का तबीयत कैसा था, मैं वही मतलब कंपेयर करती हूँ। वो उस दिन का जो वो डर था ना अरे बच्चे के आँख में, वो मैं कभी नहीं भूल सकती।